येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह पार्क अमेरिका के 3 राज्य वायोमिंग, इडाहो और मोंटाना राज्य में फैला हुआ है। येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, जो मुख्य रूप से ओल्ड फैथफुल गीजर और ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग के कारण विश्व भर में फेमस है। यह जगह जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है, बिकॉज यह एक्टिव वोल्केनो पॉइंट है, जहां कभी भी ज्वालामुखी फटने का खतरा बना रहता है। फिर भी यहां मिलियन पीपल्स घूमने के लिए आते हैं, जिससे अमेरिका सरकार को भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में एंट्री के लिए प्रति वाहन $30 और प्रति बाइक $25 टिकट प्राइस होता है, और प्रति व्यक्ति टिकट प्राइस $15 है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में घूमने के लिए सिर्फ वोल्केनिक प्लेस ही नहीं, बल्कि यहाँ नदियाँ, झील, घाटी, झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। यह क्षेत्र टोटल 2,20,00,000 एकड़ में फैला हुआ है। वास्तविक रूप से येलोस्टोन नेशनल पार्क 19वीं शताब्दी के अंत में खोजा गया था, लेकिन सन 1972 में इस क्षेत्र को एक संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया गया। यहाँ की यह येलोस्टोन ज्वालामुखी दुनिया की अन्य ज्वालामुखी की तरह कोई आम वोल्केनो नहीं है, बल्कि यह सुपर एक्टिव वोल्केनो है, जो अगर बाई चांस फट जाए तो यह पूरी दुनिया को विध्वंस कर सकता है। ऐसा मानना है कि यह ज्वालामुखी 2 मिलियन साल में 3 बार इरप्ट हो चुका है। वैज्ञानिकों का दावा है कि येलोस्टोन वोल्केनो के इरप्शन के समय अंतराल 7.5 लाख साल है। यह सुपर वोल्केनो प्रथम बार 2 मिलियन वर्ष पहले फटा था, उसके बाद यह 1.3 मिलियन वर्ष पहले फटा था। तीसरा इरप्शन 6,40,000 पहले हुआ था, और अनुमान है कि यह फिर आने वाले अगले 1 लाख साल में इरप्ट होगा, और जब यह इरप्ट होगा तो सबसे खतरनाक होगा। यह बस एक इमेजिनेशन है, असल में येलोस्टोन वोल्केनो कब फटेगा यह कोई नहीं जानता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क का यह सबसे बड़ा वोल्केनो पॉइंट है, जिसे ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग कहा जाता है। इसके अंदर जो भयंकर होल दिख रहा है यह असल में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही हुआ है। इसके बाद ओल्ड फैथफुल गीजर यहाँ की सबसे लोकप्रिय स्थल है, जो धरती के गहराइयों से पानी लाता है और वाटर पंप की तरह खुले आसमान में पानी को उछाल फेंकता है। ओल्ड फैथफुल गीजर की खास बात यह है कि प्रत्येक 90 मिनट के अंतराल पर ऊपर आता है। दर्शक यहाँ किसी प्रदर्शन के शो टाइम की तरह आते हैं, देखते हैं और जाते हैं। इस गीजर की ऊंचाई लगभग 130 से 140 फीट तक रहती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 185 फीट नापी गई है। अधिक ऊंचाई के साथ साथ इसके गर्म पानी का फवारा काफी दूर तक गिरता है, इसलिए यहाँ दर्शकों को इस फवारे से सैकड़ों मीटर दूर रहने की हिदायत दी जाती है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में लगभग 4,000 गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स हैं, जिसमें सबसे भयंकर और सबसे फेमस ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग और ओल्ड फैथफुल गीजर है। ओल्ड फैथफुल गीजर के बाद बिहाब गीजर सबसे फेमस है। यह फवारा ओल्ड फैथफुल की तरह टाइम पर नहीं निकलता है, बल्कि यह हमेशा निकलता ही रहता है। येलोस्टोन के इस एरिया में जितने भी एक्टिविटी होते हैं वह सब यहाँ की सक्रिय ज्वालामुखी के कारण ही होते हैं। येलोस्टोन ज्वालामुखी के अंदर इतना तापमान है, यह अंदर ही अंदर धधक रहा है और कभी भी विस्फोट हो सकता है। इस जगह पर बराबर भूकंप के झटके आते रहते हैं, और जब भूकंप के झटके आने का आशंका रहता है तो यहाँ दर्शकों को आने पर रोक लगा दिया जाता है। विश्व का यह एकमात्र ज्वालामुखी है जो लाखों वर्षों से एक्टिव है लेकिन शांत है, मगर एक्टिविटी कारण यहाँ की धरती हमेशा उबलता ही रहता है, और इन्हीं के कारण से यहाँ हजारों गर्म पानी का फवारा निकलता है, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं और इंजॉय करते हैं। अमेरिका के इस नेशनल पार्क में हॉट स्प्रिंग और गीजर्स के अलावा और भी बहुत कुछ है जो देखने लायक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका के विभिन्न प्रजातियों का घर है, जहाँ बड़े बड़े जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देखा जा सकता है, जहाँ आप बाइसंस, घड़ियाल, सुनहरे ईगल, भालू, ग्रे भेड़िया और अन्य वन्य जीव प्रजातियों को देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ के ग्रैंड कैनियन वाटरफॉल को भी देख सकते हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नज़ारा पेश करता है। ग्रैंड कैनियन झरना इतना प्रेरणादायक है
किलोवर्स फॉल के एक दृश्य को आर्टिस्ट पॉइंट भी कहा जाता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मार्च टू अप्रैल और सितंबर टू अक्टूबर होता है। इस समय यहाँ भीड़ नहीं रहता है, जिसके कारण आप यहाँ के वन्य जीव और अद्भुत जगह को अच्छी तरह से देख सकते हैं और अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। जून टू अगस्त पीक सीजन के दौरान यहाँ काफ़ी भीड़ रहता है, इसलिए यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इस जगह को कैसे देखना पसंद करेंगे, भीड़ के साथ या बिना भीड़ के। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज की यात्रा, येलोस्टोन नेशनल पार्क की यात्रा। ऐसे ही माइंड ब्लोइंग प्लेसेस के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। धन्यवाद।